के कहा जाएगा तेरी मौत मेरे पिस्तौल में बंद है, पीछा करो। आइए चक्कर में पड़ गए, हम तो उसके हेल्प करने के लिए गए थे, लेकिन उसका भाई हमें दुश्मन बना लिया, हमारा पीछा कर लिया, तो हमारी जिंदगी सलाखों के पीछे बीत जाएगी। हम अपनी चाल बता करके हंसे, रुक जाओ, रुक जाओ, जय हराम जादे। गोली उसके सर को छू के निकल गई है, खून के छींटे हुए देखते हरामजादे का पीछा करो। सामने जंगल की तरफ भागता हुआ जा रहा है, ये दरिया ना क्रॉस करने पाए, चारों तरफ से खेलो। तैयार हो गई, तैयार हो गई, सामने से आ रही है। ठीक है, आने दो उसे, मैं उसका इंतजार करता हूँ, उसके बाद में डकैती का घर प्लान करता हूँ। जिधर मैं चलती हूँ बर्फ भी दर्द रहती है, हवा का रुख बदलता थे दरिया से। भैया मैं आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भैया ओ सुनो साथियों, ओ खड़ी हो आई सुनो सा, ओ खड़ी हो आई और मेरे सीने में भड़क रही ज्वाला। और था सब लोग गिन गिन के बदले और बदले चाहे मौत, फैसला भारती ना बदले, बदले चाहे मौत। पुलिस और डाकू की मुठभेड़ में हमारा एक सिपाही भी शहीद हो गया, गाड़ी फटे पड़ी गया। गणपत राय त्रिपाठी, इन डाकुओं की बॉडी को उठा करके गाड़ी में डालो, उठा। यही है भवानी सिंह जो आज पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, यही है। इसकी उठा के गाड़ी में डालो। हराम ज्यादा ये अजय, इसको आसमान उठा ले गया या इससे धरती निकल गई पता ही नहीं, लेकिन हराम ज्यादे मेरी खुशियों को मिटाने वाले मंत्री चरणदास, सोनू गुंडा और प्रताप सिंह,
तुम्हारी मौत बन के आ रहा हूँ सिपाही जी साहब। तुम थाने जाओ और मैं उन हराम जादों को गिरफ्तार करूंगा जिन्होंने मेरी बहन के साथ में बलात्कार किया है। ठहर जा मंत्री चरदार। लेकिन जितने साथी थे सब हमारे मारे गए, लेकिन भैया तुम्हारे पास जो में गोली लगी है और पुलिस हमारा पीछा कर रही है, आइए हमारे साथ। आप लोग शांति के ध्यान दें, कहानी तरफ ध्यान दें। वही अजय जिसका इंस्पेक्टर पवन गोली मार दिया था, गोली तो मस्तिष्क में लग गई लेकिन गोली छूते हुए निकल गई, वो मरा नहीं है, उसकी याददाश्त खो गई है। और वही अजय इधर उधर पत्ते चाटते घूम रहा है, पागल हो गया है। आप लोगों के सामने ये सोन पागल सामने आ रहा, ये देखो आ रहा। शरीर बनी क्यों सवाल, कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आजा हमारे पास आजा।
दिमाग का डिब्बा खुला रे, पहचान मुझको, देख मैं कौन हूं। सारे बहुत बहुत शक्के लग रहे हो, कहां से ये लाए हो रे? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? हमने क्या कहा था तुझसे कि ये दुश्मनी तूने सोनू गुन्ना से लिया है, ये दुश्मनी तेरे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। तूने हमसे टकराने की जरूरत क्या है? अब हमारे गिरे बाल पर हाथ डालो, उठा कर दिखाओ। रशिया में कैद कर लो साले को, मजा जो अब आएगा मशूखा, क्योंकि इस साले ने हमारे दोस्त का माल पकड़ाया। यो है साला मुखबर, तो सुमन की याद में तड़प रहे हो, ये नहीं जानता है सुमनिया कहाँ है। हम अपने सुमन के पास जाना चाहिए। जाएगा तेरी सुमन यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जाएगा? कैसे जाएगा? पैदल चला जाऊंगा। पैदल जाओगे? आशिक हो ना, इतनी पैरों में तेरे ताकत है कि तू 500 किलोमीटर दौड़कर। वहां जाने के लिए तुझे किराए के पैसे भी तो चाहिए। किराए का पैसा तुझे मैं दूंगा, क्योंकि अगर आप मुझे किराए के पैसे देंगे तो हम आपका एहसान नहीं। पैसा ही नहीं, हम तुम्हें पैसा पैदा करने वाली मशीन देंगे, हाँ, जिससे तुम बहुत पैसा पैदा कर सकते हो। और जब तुम्हारे पास बहुत ढेर सा पैसा होगा तो तू अपनी बहन सुमन, अपनी प्रेमिका सुमन से पैसा पैदा करने वाली मशीन लाओ। मशीन इसको दे हम, ताकर के ये झराझन नोट छापने लगे। जब इसके पास नोट होगी तो आने जाने में इसको दिक्कत नहीं होगी, ये अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बहुत जल्दी जाएगा। लाओ मुझे मशीन और मैं पैसे छापूंगा, किराया हो जाएगा, हम अपने सुमन के पास चला जाऊंगा। तो ले ले, तेरे सामने ये है पैसा नोट छापने की, उठाओ इसे, उठाओ। आप एक ऐसा मजाक करते हैं, मजाक कौन? ये पैसा पैदा करने की मशीन है, ये पैसा ही पैदा करने की मशीन है, ये थाली है। जानता हूँ ये थाली है, लेकिन ये थाली करिश्मे वाली थाली है, क्योंकि इस पक्षी तालाब के लोगों में हमने इतना खौफ भर दिया है, कोई हमारी बिना इजाजत किसी को पानी तक नहीं देता। फिर तुझे कौन क्या देगा? अब तू ये मशीन उठा और इस पक्षी तालाब के लोगों के पास जा, अपनी किस्मत अजमा, देखता हूं कौन तुझे किराए के लिए भीख का पैसा देता है। हम अपने सीधे सी ये थाली अपने हाथ में, जरा इसके बंधन खोलो, बंधन खोलो, उठाओ, उठा ले, उठाओ, उठाओ, जल्दी उठाओ, उठाओ, नहीं उठाऊंगा। सुनाओ कहाँ जा रहे हो? अगर किसी ने अपनी जगह छोड़ा, डंडा यहीं रखी दे, बैठाओ। कई हाल देख रहे हो? ये सब डरा रहे हैं, डरा रहे हैं। अरे भाई सोनू, सोनू ज्यादा को भी चक्कर ना पड़ो, बिठा रहे बैठो, मारी तुम्हारे चरण भी फाटे जाए। आज मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, मांगो भीख मांगो, ना तो जिंदगी से जी पाता हूँ, मर पाता हूँ, कौन हमारा हमदर्द है,
कोई है अगर हमारा हमदर्द तो हमारी मदद करो। कौन तेरा हमदर्द है रे? हमारे किराए कोई एक पैसा नहीं देगा किराए का, और हम वो पैसा लेकर के अपने सुमन के पास चले जाएंगे। फिर उठ पड़े हो, तलवार लाओ हमारी। आज आप लोगों ने मेरे पैरों में इतने जख्म, मुतासिर हो जाओ, मुंह करके बैठा हुआ। आज आप लोगों ने हमारे पैरों में इतने जख्म दे दिए कि आज मुझसे पैदल भी चला नहीं। हाय पैदल चलो न जाए, हाय पैदल चलो न जाए, दिल चलने से मजबूर हे भगवान बता दे। कुछ पैसा तुम हो मांग लियो, हम क्या करेंगे अपने कफन के लिए। सुमन के पास चले, सुमन के पास हम तुमको पहुंचाएंगे। हम दोनों लोग तुम्हारे इसको रशिये में कैद कर लो और इसे काल कोठी में बंद करो। साले को साला पैसा कौन कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा है, छोड़ो। क्या आज का मौज है मौज गरीबन की, मौत आई कमीनन की। तुम साले उन नहीं लब तहिला लगा रहे हो मेरे दोस्त। अब चलो ये खुशखबरी चलकर मंत्री जी को बता दे, और जब इस बात को सुनेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि तुम्हारा ट्रक ड्राइवर हमारे अंदर में है। चलो आप हाँ फैका चलो चल करके फौरन बता दे। क्या हा कर रहे हो? क्या बता रहे हो मुरैठा वाले? ये आखिरी सिगरेट है? ज्यादा दिमाग खराब मत हो तुम्हारा, लेकिन काफी देर हो गई, अभी तक हमारा दोस्त सोनू और वो मंत्री प्रताप नहीं आए। ठीक है, हम उनके आने का इंतजार करते हैं।
रहा रहा और किसी का न समझा के तूने दर्द डाल कर हथकड़ी और ले चलूंगा तुझे आज देखूंगा कितना बड़ा तू मैं और हो क्या इस बच्चा यार तुम्हें होश हो और चौथर है इस कमर रहे कुप्तों और बोलो मेरा बताओ अरे गुनाह है क्या और कर रहे इस कमर मुझसे जो कुप्तों चिल्ला मत वरना हलक में हाथ डाल के तेरा जबड़ा खींच लूंगा अरे जा जा तेरे जैसे न जाने कितने आए और न जाने कितने चले गए अगर खैरियत चाहता है अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो हट जा मेरे रास्ते से वरना वरना तेरी जिंदगी में आग लगा दूंगा हराम जादे एक सेटर के सामने बदजवानी कर रहा है गुना बताओ कि कितने तूने गुना किया है होशियारों से होशियारी इस वक्त तू सोनू गुंडा के ठीक निशाने पर खड़ा है होशियारी किया तो तेरा भेजा उठाएगा सबसे पहले इस अफसर की वर्दी उतार लो क्योंकि इस वर्दी ने हमें बहुत बड़ा झटका दिया है उतारो और गालियां दे जी भर के गालियां दे हमें जितना जी चाहे उतना गालियां दे बुआ मैया बहनी लौड़िया या कौन राखो भौंकले भौंकले जितना भौंकना चाहो सोनू गुंडा शिकर मना मंत्री चरदास कि ये तेरे बहनोई आ गए साले वरना यही डंडा तेरे पिछवाड़े में खोस देता अरे सारा कैसा फड़फड़ रहा है चिड़िया की तरह इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मैं वो खिलाड़ी हूं जो कोई सबूत नहीं छोड़ता आज कोई भी ये आया था भरत लाल के केस का पर्दाफाश करने के लिए तो इंस्पेक्टर पवन हम लोग क्या चीज है हम लोग क्या करते हैं आज हम लोग अपने काले कारनामों का चिट्ठा तेरे सामने खोलते हैं ये तू जानना चाहेगा कि भरतलाल पत्रकार का मर्डर किसने किया था यह सच है कि भरतलाल पत्रकार का मर्डर बक्सी तालाब के बीच चौराहे पर हमने ही खोल करके सुन ले जरा भी होशियारी किया हमने ही किया था और उसके बाद उस भरतलाल पत्रकार की चश्मदीद गवाह किरण अदालत बयान देने जा रही थी जिसकी गवाही से मुझे फांसी हो सकती थी हमने ही अदालत के रास्ते में जाकर उस सारी किरणिया का भी खोया कमीने तूने गवाह को मिटाकर क्या ये सोचा था कि कानून से तू बच जाएगा इतना ही नहीं रे जिसको तूने रखाल बना रखा है रखाल वो शाली दो कोड़े की राइटर पत्रकार आईन जिसके साथ तूने शादी किया उसके साथ बलात्कार हमारे यार मंत्री ने किया और हाँ अपनी कलम के ताकत पर हमें सारी बेनकाब करना चाहती थी लेकिन हमने हमने उसका मुआवजा काला किया क्षेत्र में साली अपनी सूरत दिखाने के काबिल नहीं रही तुम लोगों ने पुलिस का काम और आसान कर दिया अभी कहा कुछ और तो सुन ले वो भारती देवी का चपरासी शिवराज जिसका खून तेरी प्रेमिका भारती देवी ने नहीं किया उस चपरासी का खून भी सोनू गुंडा ने तूने किया और मैंने भारती देवी को कातिल समझ के उसे गिरफ्तार कर लिया अब जो बात मैं बताऊंगा वो बात सुनकर तू मर जाएगा
और नहीं मरा तो एक बार बेहोश जरूर हो जाएगा। वो बात तू ना सुन तो तेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं तेरी पापी जुबान से सुनना चाहता, सुनना चाहता तो सुन। ये जानता है कि तेरी बहनिया का अपहरण किसने किया था? अजय ने किया था? नहीं, तेरी नजरें धोखा खा गई। तेरी बहन को अजय ने कैसे अपहरण किया तुझे कैसे मालूम हुआ? क्योंकि उसके भाई का मर्डर हुआ था भारती के ऑफिस में। उसे विश्वास था कि भारती ने हमारे भाई का कत्ल किया शिवराज का। अच्छा अच्छा। और भारती ने कत्ल नहीं किया था। थाने में उसने 2 दिन का टाइम मुझे दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर तुमने हमारे भाई के कातिल को गिरफ्तार ना किया तो तुम्हारी बहन को सुमन को उठा ले जाऊंगा और उसके साथ कुछ कर सकता हूँ। ये सिर्फ अजय ने धमकी दिया था और वो मौके का फायदा उठाया है सोनू गुंडा। इसका मतलब कि तूने ही मेरी बहन का अपहरण किया था? अपहरण ही नहीं, तेरी बहनिया के साथ हमारे दोस्त मंत्री ने और हमारे यार प्रताप ने और हमने उसके साथ हैया हैया भी किया। और वह पत्र जो तुझे मिला था, जिस पत्र को पढ़कर तू बौखला गया था, वो पत्र हमने ही तेरी बहनिया से लिखवाया था। हाँ, अब तुझे वो मौत दूंगा कि तेरी मौत को देखकर कोई भी पक्षी तालाब के अंदर ड्यूटी करने नहीं आएगा। इसको ले जाओ, इसको वहीं पर बंद कर दो जहां पर हमारा दूसरा दुश्मन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। प्रताप सिंह और सोनू गुंडा, मौत की धमकी किसको देता है? तुझे मौत की धमकी किसको देता है कमीने? मौत से किसकी यारी है? आज जो मेरी तो साले कल तेरी बारी है। तू पलटो पल का शार है, पलटो पल तेरी कहानी है। तू पलटो पल का शार है, पलटो पल तेरी कहानी है। पैसो पल तू है, पलटो पल तेरी जी। हवाई जोश के चक्कर कई चक्कर खिला दूंगा और जो बड़ा साले तेरा खबर उसको मिट्टी में मिला। जान जाती है जब दुश्मन दिलेर की, जान जाती है जब दुश्मन दिलेर की और रिवाल्वर इस वक्त देख ले तू सोनू। पीस के आज तक मैदा नहीं हुआ सोनू गुंडा प्रताप सिंह मंत्री चरणदास। पत्थर को पीस कर आज तक मैदा नहीं हुआ और कानून से बच जाए मुजरिम ऐसा। अब किस कानून की बात करता है रे कानून? एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, हम लोगों के साथ आग और पानी कभी मत खेलना, वरना हम तीनों को वसूल है कि हम आग जलाते हैं, पानी में डुबोते हैं और दुश्मन को बेमार। ले जा साले को हमारी नजरों के सामने से। अब आज अपने सब दुश्मन जो है अपने कब्जे में है। करो, इसकी मौत इतनी आसानी से नहीं होगी मंत्री जी। हाँ, इसने बख्शी तालाब के अंदर हमारा तुम्हारा जीना हराम कर दिया, हराम कर रखा है और इस बख्शी तालाब के लोगों को बचाने की बहुत बड़ी कोशिश किया है। इसलिए इस बख्शी तालाब के अंदर ऐलान कर दिया जाए कि कल सुबह 7 बजे इस सारे इंस्पेक्टर पवन की फांसी होगी।